यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध खराब है या फिर बुध बहुत ज्यादा कमजोर है, तो आज मैं आपको बुध से संबंधित एक उपाय देने जा रहा हूं जो बहुत अच्छा आपके जीवन पर प्रभाव छोड़ेगा। दोस्तों, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि यह उपाय कब करना चाहिए। ये उपाय जब करना चाहिए जब आपको इन इन तरह के प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिल रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक पिता हैं या आप एक मां हैं और आप ये देख रहे हो कि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या कुछ भी याद करता है आपका बच्चा तो उसे याद नहीं रख पाता। मैंने तो बहुत करता है पर एग्जाम में नंबर कम आते हैं। या फिर आप कि संतान जो है वो मेहनत कर रही है किसी जॉब को पाने के लिए, लेकिन जॉब में सक्सेस नहीं हो रही, कामयाबी नहीं मिल रही या जॉब ही नहीं मिल रही। या आपकी संतान या आप स्वयं व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार कर रहे हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही है। ये सारी बातें बुध की खराबी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब बुध खराब होगा तो ना तो व्यापार में सफलता दिलाएगा, कहीं आप जॉब करोगे तो वहां पर भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपसे कम जानकार व्यक्ति ज्यादा तरक्की पा रहे हैं, आपको अधिक लाभ देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पर यदि आप अपने शरीर में देखें कि आपके दांतों में प्रॉब्लम है, आपको नसों की कोई दिक्कत है, आपकी वाणी में कोई दिक्कत है, कोई खराबी है, कोई दोष है, आप जब बोलते हैं तो उस बोलने में कड़वापन है या बहुत मिठास है। अगर कड़वापन है तो आपका बुध खराब है, आपको वाणी दोष है तो बुध खराब है। आपके संबंधों में यदि बेटी, पुत्री, मौसी, बुआ या बहन के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है तो भी आपका बुध खराब है। आप व्यापार में बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हो तो भी आपका बुध खराब है। इन सभी लक्षणों को अपने आप से मिलाकर देखिए। सही समय पर सही डिसीजन ना ले पाना, कोई भी बात बहुत लंबे समय तक याद ना रख पाना या जल्दी जल्दी भूल जाना, ये भी बुध की खराबी है। अब ऐसे में बुध को कैसे ठीक किया जाए, मैं एक उपाय दे रहा हूं। यह उपाय बड़ा ही शानदार है और यह बुध को अवश्य ही ठीक कर देगा। और यह केवल बुध को ठीक नहीं करेगा, यह ऐसा उपाय है जो कहीं ना कहीं आपके पूरे परिवार पर अपना प्रभाव छोड़ेगा। कैसे? आपके घर के नजदीक में मिलने वाली एक साधारण सी चीज जिसको आप साधारण समझते हैं लेकिन वो साधारण नहीं है, और वो चीज है हरी दुर्वा। इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि हरी घास, दुर्वा घास, दूब घास। आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में इसको किस नाम से जाना जाता है ये आप कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये जो दुर्वा है, जो हरी घास है, इस घास का क्या महत्व है वो समझिए। भगवान पर यह चढ़ाई जाती है, मां दुर्गा पर दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती। या कह सकते हैं कि दुर्गा जी के जितने भी स्वरूप हैं उन पर दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती, बाकी सभी देवताओं पर दुर्वा चढ़ाई जाती है, खास करके भगवान श्री गणेश जी को। जो दुर्वा है ये कितनी महत्वपूर्ण है ये देखते हैं। आपने देखा होगा थोड़ा सा पानी मिल जाए ऐसी जगह पर दुर्वा उत्पन्न हो जाती है, या ऐसी वीरान जगह जहां पानी बहुत मुश्किल से मिलता है या बहुत थोड़ा मिलता है वहां पर भी अपने जीवन को यापन कर लेती है, यानी कि वहां पर भी ये उत्पन्न हो जाती है। इसके एक तंदुल में से दूसरा तंदुल, दूसरे तंदुल में से तीसरा तंदुल ऐसे ही निकलते रहते हैं, शाखाओं में से शाखाएं निकलती रहती है। ये दुर्वा जो कि सर्दी, गर्मी, बरसात, हर प्रकार के मौसम में खुद को बचा लेती है और अपने जीवन को आगे बढ़ाती रहती है निरंतर, जब हम भगवान को उसे समर्पित करते हैं तो हमारे
भाव यही होते हैं कि प्रभु जिस प्रकार से ये दुर्वा में से तंदुल में से तंदुल, तंदुल में से तंदुल, शाखाओं में से शाखाएं जैसे निकल रही हैं और हर मौसम में जैसे ये आगे बढ़ रही है, दुर्वा कभी खत्म नहीं होती, वो एक में से दूसरी, दूसरी में से दूसरी निकलती रहती है और हर मौसम में ये आगे बढ़ती रहती है। थोड़ी सी मिट्टी, थोड़े से पानी में जैसे ये अपने आप को, अपने जीवन को बचाए रखती है, हे प्रभु इसी प्रकार से मेरा परिवार, मेरा वंश निरंतर आगे बढ़ता रहे, मेरे घर में संतानों के शादी विवाह होते रहे, उनके संतानें होती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे और सुख हो या दुख हो मेरा परिवार हमेशा अडिंगता के साथ, दृढ़ता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहे। ये भावना के साथ हम भगवान को इस दुर्वा को समर्पित करते हैं। अब ये दुर्वा, इतनी महत्वपूर्ण दुर्वा, इसी घास को खा करके घोड़ा कितनी मेहनत करता है, कितना दौड़ता है, इसी घास को खा करके गाय, बकरियां, भैंसें हमें दूध प्रदान कर देती हैं और अपने जीवन को भी जी लेती हैं। अगर सिर्फ घास मिल जाए पशुओं के लिए तो वो अपना पूरा जीवन जी जाते हैं। यही दुर्वा जो कि बुद्ध से जोड़कर देखी गई है, इस दुर्वा को, इस घास को, तो ये घास जब इस घास को बुधवार के दिन अगर हम इसके तंदुल, इसके जो एक एक तंदुल हैं, अगर हम इसके एक एक तंदुल यानी कि 108 तंदुल अगर हमें प्राप्त हो जाते हैं और बुधवार को हम इसको लाल रंग के धागा कलावा मूली से बांध लेते हैं और अपने बच्चे के हाथ से, जिसको हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत आगे बढ़े, उसको मेमोरी पावर उसकी बहुत पावरफुल हो जाए, बुद्ध बहुत अच्छा हो जाए, या हम अपने लिए चाहते हैं कि हमारा बुद्ध बहुत अच्छा हो जाए, तो बुधवार के दिन इसके 108 तंदुल लेकर के, या तो आप एक एक तंदुल, सिर्फ एक एक तंदुल आप इसके लीजिए और ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः बोलते हुए आप भगवान श्री गणेश जी पर इसको चढ़ा दीजिए, नहीं तो पूरे के पूरे 108 लेकर के और इसको धागे से बांधकर, मूली से बांधकर आप इसको भगवान श्री गणेश जी के चरणों में ओम गम गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः ऐसे बोलते हुए आप उनके चरणों में इसे चढ़ा दीजिए। प्रत्येक बुधवार को आप दुर्वा गणेश जी को चढ़ाइए, फिर देखिए आपका बुद्ध कुंडली में खराब हो, कैसा भी हो, कमजोर हो, वो आपको शुभ फल ही प्रदान करेगा। भगवान श्री गणेश जी के मंदिर के बाहर दुर्वा घास अवश्य बिकती हुई आपको नजर आ जाएगी। इसको गणेश जी से तो विशेष करके जोड़कर देखा गया है, गणेश जी को बहुत प्रिय है और गणेश जी की आराधना बुध ग्रह के कमजोर होने पर, राहु की खराबी पर की जाती है। तो मित्रों, यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, अपने बच्चे को सफल होता हुआ देखना चाहते हैं, अपने परिवार को सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो इस दुर्वा को गणेश जी को बुधवार के दिन जरूर चढ़ाइएगा। आपके यहां पर इस दुर्वा को किस नाम से जाना जाता है, इस हरी घास को किस नाम से जाना जाता है, ये कमेंट में बताइएगा। और यहां तक वीडियो देखा है तो हमेशा की तरह ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलता हूं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।